वैसे तो मसूरी में होटल्स की कोई कमी नहीं है और रूम्स भी आपको अच्छे खासे ठीक ठाक मिल जाएंगे, बट मेजर इशू आता है कि आपका व्हीकल पार्क हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और आपका होटल एक्चुअल में है किस लोकेशन पे। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि गलियों गलियों में होटल्स होते हैं और ये वाली जो जानकारी होती है ना तो आपको कोई होटल बताता है और ना ही आपको गूगल सर्च में पता चलती है कि आपका होटल अंदर किस लोकेशन में जाकर होगा, वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी होगी या नहीं होगी। तो इस वाले होटल की मुझे कि ये ही वाली जो खास बात है वो काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर जो है ये मेनली बिल्कुल माल रोड के बिल्कुल पास में है। तो आप जैसे ही लाइब्रेरी चौक पहुँचेंगे आप डायरेक्ट होटल के अंदर जा सकते हैं और पार्किंग की यहाँ पर अच्छी खासी इनफ फैसिलिटी है। दूसरी एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है वो ये है कि माल रोड के अंदर आपको लेकर अपना व्हीकल नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप माल रोड के अंदर कोई होटल बुक करते हैं तो वहाँ पर भी व्हीकल अंदर ले जाने के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं और उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कितने टाइमिंग से कितने टाइमिंग तक आप जो अपना फोर व्हीलर है वो अंदर लेके जा सकते हैं, तो उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है क्योंकि माल रोड के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, माल रोड के जस्ट बिल्कुल पास में ही ये होटल है तो आप आराम से अपना पार्किंग करके माल रोड घूमने के लिए आ सकते हैं। उसके अलावा रूम्स भी यहाँ पर अच्छे हैं और फूड सर्विसेज भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले होटल की लोकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लाइब्रेरी चौक है मसूरी का और सामने ही माल रोड है। माल रोड पर आपको नहीं जाना है, माल रोड से जस्ट अपोजिट जो रोड है वो आपको लेनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जिस रोड पर गाड़ी मुड़ रही है यहीं पर हमें जाना है और जैसे ही हम इस रोड पर मुड़ते हैं जस्ट सामने ही हमें होटल अपना दिखाई दे जाता है, होटल विष्णु पैलेस। इसे तो होटल की डिटेल्स आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं लेकिन कुछ कैटेगरीज के रूम्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन आपको दिखाई नहीं देंगे और हमें भी यहाँ पर आने के बाद ही पता चले, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी हम होटल के एंट्रेंस पर आ गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने ही पार्किंग एरिया है विच इज़ क्वाइट स्पेशियस और ये वाली जो बिल्डिंग है सामने से दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। सो इट इज़ सिचुएटेड एट अ प्राइम लोकेशन ऑफ मसूरी, शायद ही कोई होटल इतनी परफेक्ट लोकेशन पर यहाँ पर हो। इवन यहाँ पर भी पार्किंग की अच्छी खासी स्पेसिंग है, चाहे तो यहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं होटल के एक तरफ मेन रोड है जो कि लाइब्रेरी चौक और माल रोड तक जाती है और दूसरी तरफ यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माउंटेन्स। आइए अब रूम्स की तरफ चलते हैं। लिफ्ट के एकदम साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है बैठने के लिए, तो इसी तरह से हर फ्लोर पर सिटिंग एरियाज हैं, आप बैठ सकते हैं और बाहर का व्यू ले सकते हैं। आइए अब आपको रूम्स दिखाते हैं। बेसिकली थ्री कैटेगरीज में यहाँ पर रूम्स हैं, डिलक्स रूम, सुपीरियर नॉन व्यू रूम एंड सुपीरियर हिमालयन व्यू रूम्स। उसके अलावा फैमिली स्वीट रूम्स एंड अदर कैटेगरी के रूम्स भी हैं जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डिलक्स रूम। पूरी वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पर एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन स्पेशियस रूम है ये। सामने की तरफ ये जो आप सोफ़ा देख रहे हैं इट कैन बिकम सोफ़ा कम बेड, तो अगर आपके साथ में कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो आप उनको भी एकोमोडेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ले सकते हैं। और जितने भी ये रूम्स हैं तीनों कैटेगरीज के, वेदर इट इज़ डिलक्स रूम, वेदर इट इज़ सुपीरियर रूम और सुपीरियर हिमालयन रूम, सब में आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल, गीज़र, हीटर, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, रूम सर्विसेज, एवरीथिंग यू विल गेट इन ऑल द थ्री कैटेगरीज ऑफ रूम्स। यू कैन गेट दिस रूम रेंजिंग फ्रॉम 2,000 to 4,000 विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, बाकी डिपेंड करता है कि ऑफ सीज़न है या पीक सीज़न है और अवेलेबिलिटी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे मिल सकते हैं आपको। ये यहाँ पे विंडो से आप व्यू देख पा रहे हैं, वैसे तो ये नॉन व्यू रूम है बट फिर भी विंडो से आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है, माउंटेन का व्यू भी इनफैक्ट दिखाई दे रहा है।
उसी तरह से सुपीरियर नॉन व्यू रूम भी आपको उसी प्राइस में मिल जाता है जितने में डिलक्स रूम। ये थर्ड कैटेगरी सुपीरियर हिमालयन व्यू रूम्स। एंड इफ़ यू हैव अ फैमिली ऑफ 5 to 6 पर्सन तो आप ये फैमिली रूम बुक कर सकते हैं जिसमें कि आपको 2 डबल बेड मिलते हैं, साथ में आप एक सोफ़ा कम बेड आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये वाला रूम बुक करने के लिए आपको डायरेक्ट होटल की वेबसाइट से बुकिंग करनी होगी या फिर आप डायरेक्ट आकर बुकिंग कर सकते हैं, या आपको दूसरी अदर वेबसाइट्स पे जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोआइबू, वो इन सब पे नहीं दिखाई देगा। So I hope you like the video, and for such informative stay videos, please subscribe to channel. Thank you for watching. Bye bye.